रन ऑफ यूनिटी को लेकर हमीरपुर में मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें गांधी चौक पर स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार ने हरी झंडी दिखाकर मैराथन को रवाना किया। इस अवसर पर सांसद अनुराग ठाकुर, विधायक नींद ठाकुर, एसपी रमन कुमार मीणा, डीसी डॉक्टर ऋचा वर्मा, एसडीएम शिल्पी बेगटा भी मौजूद रही। स्वास्थ्य मंत्री परमार ने वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर लोगों को संकल्प लेने की आवश्यकता है ताकि समाज में एकता बनी रहे। इस अवसर पर स्कूली बच्चों को राष्ट्रीय अखंडता और एकता की शपथ भी दिलाई गई। राष्ट्रीय एकता दिवस शपथ, राष्ट्रीय एकता, अखंडता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए, और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा, स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच, और अपने देशवासियों के बीच संदेश फैलाने का भी करूंगा। स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर रन ऑफ यूनिटी का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि 182 मीटर लंबी प्रतिमा गुजरात में बनाई गई है। इसका उद्देश्य है कि समाज ऐसी विभूतियों को हमेशा याद रखे। राष्ट्रीय एकता वर्ष 2014 में श्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी जी ने सरकार बनने के बाद ऐसा पूरे हिंदुस्तान में ये मनाया जाए और नमित है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की आज जयंती है, जन्मदिन है, उस उपलक्ष्य में संदेश यही है कि हम ऐसी विभूतियों को हमेशा याद रखें जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए कुर्बानियां दी और आने वाली पीढ़ी उन कुर्बानियों को, उस जज्बे को हमेशा याद रखे। निमित्त यही है और उसी के उपलक्ष्य में आज नर्मदा डैम पर विश्व का सबसे बड़ा स्टैच्यू, उनकी मूर्ति का श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी अनावरण कर रहे हैं। लगभग मैंने बहुत से देशों का इतिहास पढ़ा है, अमेरिका हो चाहे वो अन्य देश हो, वहाँ के जितने स्टैच्यू बनाए गए हैं उसकी तुलना में ये 182 दो गुना 182 मीटर लंबा है। और चाहे आंधी आ जाए, चाहे तूफान आ जाए, चाहे भूकंप आ जाए, ऐसा स्टैच्यू यहाँ पर बनाया गया है। मकसद यही है कि ऐसी विभूतियों को हमारा समाज याद रखे, इसीलिए आज हम दौड़ रहे हैं, संकल्प ले रहे हैं और ये दौड़ और संकल्प सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ भी है, देश की एकता के लिए भी है। सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि पीएम मोदी का पूरा देश आभारी है क्योंकि पहले इतिहास नेहरू या गांधी तक ही सीमित रह गया था, लेकिन अब पटेल के योगदान को भी पूरा विश्व याद रखेगा। अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में नेहरू की रियासत दुर्गति जिस तरह से हुई है वह दुनिया देख रही है। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल ने 562 रियासतें जोड़ी हैं जिनमें एक बूंद तक नहीं गिरने दी। उन्होंने कहा कि आज 70 सालों में भी कश्मीर में खून बह रहा है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि अगर पटेल पहले प्रधानमंत्री बनते तो देश किसी और दिशा में होता, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होता। महान स्वतंत्रता सेनानी, देश के प्रथम गृह मंत्री और लोकप्रिय नेता स्वर्गीय सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, आज उनकी प्रतिमा 182 मीटर जो दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा बनकर तैयार हुई है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो 93 मीटर है उससे दुगनी बड़ी है, और भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम आज किया गया, वहीं प्रधानमंत्री मोदी जी आज ये प्रतिमा देश और दुनिया को समर्पित भी करेंगे। देखना ये है कि इतिहास में जहाँ केवल नेहरू गांधी तक सीमित कर दिया गया था और सरदार पटेल पर उस तरह से या उनके योगदान पर बात नहीं की जाती थी, हम धन्यवादी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के कि उन्होंने देश को, आज की पीढ़ी को और आने वाली पीढ़ियों के लिए उस महापुरुष के बारे में बताया जिसने आज़ादी पे भारत को एकजुट करने के लिए 562 से ज़्यादा रियासतों को एकजुट किया। नेहरू जी के जिम्मे तो एक रियासत उन्होंने स्वयं ली थी जम्मू कश्मीर की, और उसकी भी जो दुर्गति उन्होंने की है वो 70 वर्षों में आप देख रहे हैं कितना खून वहाँ पर बहा है। जहाँ तक सरदार पटेल की बात है, 562 रियासतें साथ में जोड़ी लेकिन कहीं पर एक बूंद तक नहीं खून की गिरने दी, ये अंतर था, लेकिन इनके बारे में उतना बताया नहीं गया। और जहाँ दूसरी ओर नेहरू जी ने कश्मीर का विषय अपने हाथ में लिया था, आज 70 वर्षों में भी
कश्मीर में खून बह रहा है। तय देश को करना है, जनता को तय करना है इस भारत के लिए किसने क्या किया है। अगर पटेल पहले प्रधानमंत्री बनते तो देश किसी और दिशा में होता, इसमें मुझे लगता है किसी को कोई संदेह नहीं है।